क्या हुआ सुरेश, सब खैरियत तो है? Is everything okay? दुरैद, तुम बोलते क्यों नहीं? एक बैड न्यूज है डैड। क्या बैड न्यूज है बताओगे भी या इम्तिहान लोगे हमारा? भाई को स्वाइन फ्लू डायग्नोज हुआ है। स्वाइन फ्लू? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है भाभी। पहले आप लोग भाई से मिलने जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बहू। लेकिन ऐसे नहीं डैड, आप लोगों को मास्क पहन के जाना होगा। भाई को स्वाइन फ्लू है ना, ये खतरनाक बीमारी है, मरीज से दूसरों को फैल सकती है। हाँ हाँ, हम जानते हैं। मुझे तो आज ही पता चला, वो डॉक्टर डिटेल्स दे रहे थे स्वाइन फ्लू के बारे में, कह रहे थे आज से 10 साल पहले तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करती थी, लेकिन अब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि कवर हो जाती है। मगर फिर भी मरीज से दूसरों में फैल जाती है, और हाँ, जानलेवा भी हो सकती है। दुरैद, तुम बता रहे हो या डरा रहे हो? नहीं नहीं भाभी, मैं तो सिर्फ बता रहा था। टेड, एक और बात भी है, डॉक्टर्स कह रहे हैं हम में से किसी एक को अटेंडेंट के तौर पे भाई के पास रुकना होगा। इसकी क्या जरूरत है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सब केयर कर सकते हैं जुनैद की। लेकिन फिर भी भाभी, इन लोगों से ऊंची नीच हो सकती है, हमें से किसी ना किसी को तो रुकना लाजमी होगा। आप लोग खुद सोचें, भाई क्या फील करेंगे? दुरैद बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम में से किसी ना किसी को उसके पास रुकना चाहिए। मैं तो डेरी टाइम ही नहीं दे सकती, आप जानते हैं मेरी एनजीओस की मीटिंग्स हैं, सारा ऑफिस मैं ही तो संभालती हूँ। मैं भाई के पास रुक सकता हूँ, लेकिन आप लोग तो जानते हैं मेरे फाइनल के एग्जाम्स होने वाले हैं, अगर मैंने मिस कर दिए तो पूरा साल जाया हो जाएगा। ठीक है डैडी जी, तो फिर आप रुक जाइए जुनैद के पास, मैं अपने ऑफिस से 1-2 घंटे निकाल कर आके देख लिया करूँगी। कैसी बातें कर रही हो बहू, हम 1-2 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते, जानती हो तुम। फिर तो मामा को भाई के पास रुकना होगा। बेवकूफ़, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में कैसे रुक सकती है? घर को उसकी ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत है, तुम दोनों में से किसी को रुकना पड़ेगा। अरे हाँ, खुशी भाभी को तो हम लोग भूल ही गए, खुशी भाभी तो रुक सकती है ना भाई के पास। खुशी यहाँ कैसे रुक सकती है? क्यों क्यों नहीं रुक सकती? डैडी, आप जानते हैं कि खुशी प्रेग्नेंट है, और ये हॉस्पिटल है, 10 तरह के जर्म्स होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, उसके बच्चे पे अफेक्ट हो सकता है, उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। शांति ठीक कह रही है, ये हमारे पोते का मामला है। डैडी, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है, फिकर ना करें, बच्चे को कुछ नहीं होगा। और मैं खुशी भाभी को समझाऊंगा कि वो मास्क पहन के भाई की देखभाल करें। तो ठीक है, वो लड़की रुकेगी हॉस्पिटल में। ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए। मैंने खुशी को जुनैद के पास जाने से मना कर दिया,
अब आप उसे वहाँ दोबारा भेज रहे हैं। मैं आइंदा कैसे रोक सकूंगी? ये क्या कर रहे हैं आप? और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास, ना तुम जुनैद को टाइम दे पा रही हो ना दुरैद। अब ये कड़वा घूंट तुम्हें ही पीना पड़ेगा। तुम बेफिक्र रहो, जो तुम सोच रही हो ऐसा कभी नहीं होगा। जुनैद को सेहतयाब हो जाने दो, वो लड़की हमारी मुट्ठी में ही है, और जुनैद को भी हम अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। ठीक है डैडी, ये कड़वा घूंट मैं आपके खातिर पी लेती हूँ। दुरैद, जाओ उस लड़की को लेकर आओ फौरन। जी डैडी। चलो चलकर जुनैद को देखते हैं। चलो शाबाश। बेटा आ गए, कैसा है भाई? मामा भाई को एडमिट कर लिया गया। एडमिट कर लिया? या अल्लाह खैर, क्या बहुत ज्यादा बीमार है? नहीं नहीं कोई खास नहीं, बस चेस्ट इन्फेक्शन है और टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है। मैं खुशी भाभी को अपने साथ ले जाने आया हूँ भाई की देखभाल के लिए। हाँ मैं चलती हूँ, मैं जुनैद की इतनी खिदमत करूंगी वो झट से ठीक हो जाएगा। अब बेटा मैं भी चलती हूँ। नहीं वो डैड ने मना किया है। लेकिन मैं अपने बच्चे को जाके अपनी आंखों से देख तो लूं किस हाल में है वो। चलने देना अम्मा जी को देवर जी, उनका दिल घबरा रहा है। हम दोनों मिलके जुनैद की खिदमत करेंगे। नहीं भाभी डैड ने मना किया है। वैसे भी मामा भाई के साथ तो किसी एक आदमी का होना ही काफी है, ज्यादा क्राउड लगाना भी ठीक नहीं है ना। चले भाभी। बच्चे को सेहत देना, सलामती के साथ घर वापस आ। कहाँ है जुनैद? हाला इतना बड़ा अस्पताल, तब पे किसी बादशाह का घर है, यहाँ पे तो शहजादे आते होंगे इलाज के लिए। तो मेरा भाई किसी शहजादे से कम है क्या? ये तो है, इस तरफ वो शहजादा भी है और उसके पास दो दो शहजादियाँ, एक बाजी और एक मैं, और तू छोटा शहजादा। तेरे लिए ना हम छोटी शहजादी ढूंढ के लाएंगे। मैं आपको ढूंढ के लाऊंगी पता है, और मैं अपने जैसी नहीं ढूंढ के लाऊंगी, अनपढ़ तेरे जैसी ढूंढ के लाऊंगी। पढ़ा लिखा है ना, अच्छे घर की मुझे ऐसी जाहिर नहीं होगी। ये लीजिए। ये क्या है? ये मास्क है, इसको ऐसे पहनते हैं। यहाँ पे मुंह छुपा के आना पड़ता है? मुंह छुपा के नहीं आना होता भाभी, ये मास्क है, इसको लगाते हैं ताकि दूसरों की बीमारी आपको ना लगे। मुझे कोई बीमारी नहीं लग सकती, मैं ठीक ठाक हूँ, तू भी ठीक ठाक है। हम बीमार नहीं है भाभी, भाई बीमार है, उसको स्वाइन फ्लू हो गया है। अगर आप ये मास्क नहीं लगाएंगी तो ये आपको भी लग जाएगी। अल्लाह जुनैद को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अब क्या होगा? अच्छा बातों में टाइम ही जाया करें, आए चलें इसको लगा लें पहले। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आंखों पे नहीं ना, मुंह पे लगाएं। अच्छा अच्छा ऐसे ना। जुनैद ये लीजिए। ये क्या है? ये मास्क है, इसको ऐसे पहनते हैं। यहाँ पे मुंह छुपा के आना पड़ता है? मुंह छुपा के नहीं आना होता भाभी, ये मास्क है, इसको लगाते हैं ताकि दूसरों की बीमारी आपको ना लगे। मुझे कोई बीमारी नहीं लग सकती, मैं ठीक ठाक हूँ, तू भी ठीक ठाक है। हम बीमार नहीं है भाभी, भाई बीमार है, उसको स्वाइन फ्लू हो गया है। अगर आप ये मास्क नहीं लगाएंगी तो ये आपको भी लग जाएगी। अल्लाह जुनैद को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अब क्या होगा? अच्छा बातों में टाइम ही जाया करें, आए चलें इसको लगा लें पहले। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा।
आंखों पे नहीं ना, मुंह पे लगाएं। अच्छा अच्छा, ऐसे ना। जुनैद, क्या शाजी, कैसा है जुनैद अब? इलाज शुरू हो चुका है, ठीक हो जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसको स्वाइन फ्लू कैसे हो गया। क्या स्वाइन फ्लू हो गया उसे? अगर शाजी, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है और आप लोग उसे वहीं छोड़कर आ गए। हम उसे छोड़कर नहीं आए हैं, उसका इलाज हो रहा है वहां पर। हम उसके दुआगो हैं, मुआलिज नहीं है, डॉक्टर देख रहे हैं उसे। शाजी, मुझे उसके पास ले चले, मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसके पास रहना चाहती हूँ, प्लीज शाजी। क्या करोगी उसके पास रहकर? उसके पास बैठकर रोने से अच्छा है कि यहां बैठकर उसके लिए दुआ करो। और उसे कोई ऐसा खतरनाक मर्ज नहीं हुआ कि ठीक ना हो सके। डैडी, मैं थोड़ी देर में ऑफिस चली जाऊंगी। दुरैद और जुनैद से मैं फोन पे इन टच रहूंगी। आप लोग परेशान मत होइए। परेशान मत हो। हमें अरवाना तो जमीन पे सोते थे। हम लोगों को ये बिस्तरे थोड़ी नसीब होते हैं तुम लोगों की तरह। मानो बेचारी, अल्लाह उसकी भी नसीब अच्छी करे। अरे पहले मास्क तो पहनो। अरे मैं तो भूल ही गई। गुड इवनिंग देवर जी। ये लीजिए आप लोगों के लिए नए ड्रेसेस, और ये भाभी आपके लिए कॉस्मेटिक्स का सामान। ये खुलेगा कैसे? और ये इस बैग में आपके नए बूट्स, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम वगैरह वगैरह। एक सेकंड प्लीज, को इस तरह से खोलेंगे। अब ये इसके अंदर। अरे वाह, इतना सारा सामान देवर जी, क्या सोचिए अस्पताल में लाने की? हाँ हाय दुरैद, तुम मुझे मरवा दोगे यार। ये टेबल पेशेंट्स के लिए होती है, कॉस्मेटिक्स रखने के लिए नहीं यार, फॉर गॉड सेक। यार ये एक प्राइवेट रूम है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी नर्सेस देख लेंगी। पर ये किसने कहा है कि पेशेंट हमेशा बेड पे लेटा रहे? अनाव सिंघार भी कर सकता है। एनीवेज यू डोंट वरी, कोई आया तो ये सारी चीजें छुप जाएंगी। यू मेक श्योर लॉक द डोर, ओके? आप फिक्र ना करें, बहुत पुराना दोस्त है। अब आप दोनों प्लीज जल्दी से तैयार हो जाएं। ठीक है। ये लिपस्टिक कैसी लग रही है? आपने यूनिफॉर्म उतार दिया? अरे सर, आपने तो मास्क भी उतार दिया, ये क्या कर रहे हैं आप? सर कमाल करते हैं आप, ले मास्क। और आप दोनों ही मास्क पहने, ये खतरनाक बीमारी है। जी जी सॉरी जी। सर आप खड़े मत हो, प्लीज बैठ जाएं, इनका यूनिफॉर्म चेंज करवाएं।
ठंडी जगह हो यार। जुनैद, लड़की तुझे डांट क्यों रही थी? मुझे गुस्सा आ रहा था इस पे। समझाओ अभी आप। ये ले भाई गाड़ी चाबी, गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, आप लोग देखना करें। चलिए। थैंक यू, एंजॉय इट। आओ चलिए। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम हट पे जाएंगे। ये क्या होता है? तुम कभी नहीं गई हो? नहीं। चलो आज जाओगी तो देख लेना। दुरेद ने हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत हट बुक कराया। वो तो किताब को बोलते हैं ना। मुझे पता है, इतनी भी पगली नहीं हूँ मैं। तो हम किताबें पढ़ने जा रहे हैं। हाँ चलो आज मैं तुम्हें किताबें पढ़ाता हूँ। मुझे पता था जुनैद, तू मुझे पढ़ने लिखने से नहीं रोक सकता। अच्छा बता ना ये हट छट क्या होता है? अरे भी जा रहे हैं, तुम देख लेना। कितनी देर में पहुँचेंगे? सवाल बहुत करती हो। तो जवाब भी तो नहीं देता है। जल्दी पहुँच जाएंगे। अच्छा सही। तो देवर जी में आएंगे? वो क्यों आएगा भाई? उसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, वो नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा? बहुत अच्छा है देवर जी, पता है इतना ख्याल रखता है। और अम्मा जी, अब्बा जी और बाजी ना सब बहुत अच्छे हैं। बस अब्बा जी ना थोड़े खड़ूस हैं, मगर दिल के वो अच्छे हैं। तुम उन लोगों की बातें क्यों कर रही हो? अच्छा फिर मैं अपने घर वालों की बातें करती हूँ। तुझे पता है कि अम्मा ना बचपन में मुझे बहुत मारती थी, फिर मैं बड़ी हुई ना तो मुझे मार की आदत पड़ गई। जब जब वो मारती थी मैं हंसती थी और घर से बाहर चली जाती थी। और शम्मो के घर तो जाना मेरी बहुत पुरानी आदत थी, जब अम्मा से मार खाती शम्मो के घर चली जाती। और शम्मो की माँ भी बहुत बड़ी जो है ना खड़ूस औरत थी, हर वक्त डांटती रहती थी, मारती रहती थी। शम्मो की शादी करवाना चाहती थी वो किसी बुढ़े आदमी से। मैंने तो भाई उसके सारे रिश्ते भगा दिए। और फिर शम्मो कह रही थी कि वाह भाई, अब मेरे रिश्ते भगा के ना अपनी शादी में लग गई तू। अगर तुम्हारी शादी किसी बुढ़े आदमी से हो जाती तो? अगर मेरी शादी किसी बुढ़े आदमी से हो जाती तो मैं तो मर जाती। मैं कैसे शादी कर सकती हूँ किसी बुढ़े आदमी से? I'm
क्या देख रही हो? जुनैद, ये इतनी सारी मोमबत्तियां क्यों जलाई हैं? इसे कैंडल लाइट डिनर कहते हैं। वो क्या होता है? ये वही होता है जो तुम देख रही हो। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में तो मोहब्बत करने वाले खाना खाते हैं। आंखों ही आंखों में एक दूसरे के दिलों में जज्बात को महसूस करते। अच्छा, तो मतलब मोमबत्तियों में खाना खाने को कैंडल लाइट कहते हैं। कैंडल लाइट नहीं कहते, कैंडल लाइट डिनर कहते हैं। ठीक है,
खाना तो हम गरीब लोग भी खा सकते हैं। दो मोमबत्तियां बीच में जलाएं और खाना खा लिया। वैसे भी हम लोगों के यहाँ तो बिजली बहुत कम आती है, लेकिन एक मस्त है, इन मोमबत्तियों पे ना कीड़ा मकोड़े बहुत आते हैं, कॉकरोच, और कुछ छिपकली अगर खाने में गिर गई ना तो खाना भी जाया हो जाएगा और मजा भी खराब हो जाएगा। एक मिनट, तुम इतने रोमांटिक माहौल में कॉकरोच और छिपकलियां क्यों डिस्कस कर रही हो? अरे तो झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं भी पगली नहीं हूँ, मैं सब जानती हूँ। पता एक दफा क्या हुआ था, अम्मा ना बावर्ची खाने में खाना पका रही थी, बिजली गई हुई थी, मोमबत्ती की रोशनी में चावल बना रही थी, चावलों में इतनी बड़ी सारी छिपकली गिर गई। उस वक्त तो दिखा नहीं, जब प्लेट में अम्मी ने डाला तो इतनी बड़ी सारी छिपकली, मेरा दिल इतना खराब हुआ कि मैंने एक महीने तक चावल ही नहीं खाए, और अम्मा अम्मा ने तो चावल समेत पतीला बाहर फेंक दिया। खुशी, तुम चाहती हो हम खाना खा पाए? मैं क्यों नहीं चाहती, ये भी पगली नहीं हूँ मैं, पर मुझे डर लग रहा है। छिपकली से? नहीं नहीं, छिपकली से क्यों डरूंगी, मुझे इस बात का डर लग रहा है कि हम अपाची और बाची को बताए बगैर आए हैं ना, उनसे छुप के मौज मस्ती कर रहे हैं यहाँ, उन्हें पता चलेगा तो कितना दुख होगा उन्हें। को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुम टेंशन लोगी ना तो हम ये रात एंजॉय नहीं कर पाए, प्लीज सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इस रात को एंजॉय करो, क्योंकि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं। चलो खाना खाओ।